बिकम आईएएस ऑफिसर। आईएएस बनने का मेरा प्लानिंग था और आईएएस बनने के लिए मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, लेकिन उसी क्षण उसके पहले मैंने कुछ एमएलएम कंपनीज भी की थी, तो उसका मुझे प्रीवियस का नॉलेज था और उसके नॉलेज होने के साथ साथ जब ये प्लेटफॉर्म मेरे सामने में आया तो मैंने इसका पहले 3 दिन स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैंने टॉप 10 जितनी भी वर्ल्ड में कंपनीज है वो सारी टॉप 10 कंपनीज का मैंने स्टडी किया कि एटोमी उन कंपनियों से क्यों डिफरेंट है और मैं यदि ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैंने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो वो सारा स्टडी मैंने 3 दिन किया और जितने भी हैंगिल पार्क सर के जो वीडियोस थे वो सारे वीडियोस इंग्लिश में थे, कोरियन टू इंग्लिश में थे, वो सारे वीडियोस मैंने देखे और सारे वीडियोस देखने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड और मुझे ये करना चाहिए। और ये जब समझने के बाद फिर मुझे ये लगा कि भाई हमको इस प्लेटफॉर्म को करने के पहले हमको ये चीज है कि नहीं है ये पहले देख लेना चाहिए। इसीलिए अपलाइन के हेल्प की वजह से मैं कोरिया गया अक्टूबर 2018 में और कोरिया जाने के बाद में वहां मैंने कोलमार को देखा, वहां के जो सक्सेस एकेडमी के सेमिनार्स है वो देखे, प्रोडक्ट्स देखे, तब से मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करना भी चालू किया और तब मुझे जो पहले जो थोड़ा सा बिलीव था प्रोग्राम मतलब यूट्यूब पर जो जितने भी वीडियोस देखता था उससे तो काफी मुझे बिलीव आ चुका था, लेकिन जब पर्सनली जब मैं कोरिया गया तो वहां पर मैंने वो सारी चीजें तो देखी, देखने के बाद में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ही हाई हुआ और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इंडिया जब जाऊंगा तो मैं केवल अपने एरिया तक के ही एटोमी को सीमित नहीं रखूंगा तो ऑल ओवर इंडिया में इसको डेवलप करूंगा। और वही एक सोच के साथ में, क्योंकि मैंने पहले देख लिया था जब कोई समुन्दर को नहीं देखता और उसके बारे में कोई बताता है तो हम यकीन नहीं करते, लेकिन वो समुन्दर को मैंने देख लिया था तो मुझे पता था कि ये 100% इंडिया में आएगा और आने के बाद में लाखों लोगों का करियर चेंज होगा। भला ही आज लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, निगेटिवली ले रहे, पॉजिटिवली ले रहे, कोई छोड़ रहे, कुछ भी कर रहे, कोई फर्क नहीं गिरने वाला था। तो ये सारी चीजें मुझे कोरिया जाकर आने के बाद में मुझे पता चली और वही एक मात्र रीजन था कि जिसके वजह से मैं कंटिन्यू 3 साल इस सिस्टम में बना रहा और करता रहा और अभी भी मैं कर रहा हूँ। और उसी का नतीजा ये है कि आज मैं आपके सामने एक एज ए डायमंड मास्टर आया हूँ। दूसरा एक रीजन था, नौकरी होने के साथ भी मैंने इसको क्यों किया तो मैंने सारा मेरे लाइफ का कैलकुलेशन कर लिया था कि मैं इतने साल नौकरी करूंगा तो कितना इनकम बना सकता हूँ। तो वो इनकम जब कैलकुलेट किया तो वो एटोमी बिजनेस के सामने में बहुत ही कम था और बहुत कम होने के वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसको ही करना चाहिए। तो ये मेरे रीजन थे बताने के लिए, तो मैं बहुत बता सकता हूँ लेकिन टाइम को देखते हुए और भी लीडर्स लोगों को सुनना है तो शॉर्टली मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इन्हीं वजह से मैं आज भी टिका हूँ, हमेशा टिका रहूंगा, चाहे परिस्थितियां निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे हमको हमेशा साथ बढ़ना है और आगे चलना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच संजय सर, आपने बताया कि इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी बिलीफ नहीं आती है और आपने वहां कोरिया जाके इंफॉर्मेशन ली है, दैट इज ग्रेट। और ये यहाँ बैठे भी अभी मिल सकती है तो बाकी लोगों को हम बताएं कि जितना इंफॉर्मेशन लेंगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। फंटास्टिक, हम दूसरे क्वेश्चन के बाद में आएंगे मगर अभी हम दोबारा एक क्वेश्चन करेंगे। गुरनाम सिंह जो हरियाणा से है और गुड़गांव में रहते हैं और मैं सर आपको वेलकम करता हूँ। गुरनाम सिंह आपका हार्दिक स्वागत है और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक्चुअली हम दोनों एक ही नाव में थे मगर मैं थोड़ा आगे 5-6 साल था और आप इतनी बड़ी कंपनी में 15 साल तक काम करके अच्छा नेटवर्क बनाने के बाद आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर है, सक्सेसफुल है और वो नेटवर्क छोड़ के व्हाई यू हैव ज्वाइन एटोमी, आपने एटोमी क्यों ज्वाइन किया, ऐसा कौन सा रीजन था कि इतनी नंबर 1 कंपनी को छोड़ के आपने यहाँ एटोमी में अपना इतना बड़ा लेवल भी ले लिया डायमंड्स, राइट?
तो प्लीज आपके हिसाब से आप बताइए, काफी लोग को जानने में आपका राज है वो जानने में इंतजार है। प्लीज गुरनाम सिंह जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। देखो सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम गुरनाम सिंह है, गुड़गांव से हूँ, और मैं आप लोगों को चीज कहता हूँ कि हर इंसान को जिंदगी में बेहतर चीज की तलाश में रहता है, कोई भी इंसान हो चाहे, लेकिन बेहतर चीज का आपको कैसे पता चलता है कि ये बेहतर है या नहीं है। मैं अगर आपके को बोलूं कि आपके आपके पास एक ही गुलाब का फूल है तो आप कैसे बताएंगे कि गुलाब का फूल बढ़िया है। जब आपके पास और दो तीन तरह की वैरायटी के फूल होंगे तभी आप बता पाएंगे कि गुलाब का फूल ही बढ़िया है। ऐसे ही मैं एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और कुछ और कंपनियों का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे भी एक अच्छे बिजनेस की और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। मैं भी एक चाहता था कि मुझे एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे 2 से 5 साल काम करके 100 साल तक पैसा बनाया जाए, तो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। और तलाश करते करते सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कई बार लोग कहते हैं कि मैं अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरे साथ कौन करेगा। मैं आप लोगों को यह चीज बताना चाहता हूं कि अटोमी को ज्वाइन करने के लिए मुझे 15 दिन तक अपने स्पॉन्सर को सर्च करना पड़ा है। 15 दिन तक मैंने अपने स्पॉन्सर को सर्च किया, उसके बाद मुझे जाके कंबोडिया में कहीं मेरा स्पॉन्सर मिला और फिर हमने इस बिजनेस को किया है। ये आप लोगों को, ये उन लोगों के लिए होप दे रहा हूं जिनको लगता है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मेरे जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा उनको अटोमी की बात करेगा और वो उसके साथ बिजनेस को साइन करेंगे और बड़े लेवल तक जाएंगे। बट बात ये आती है कि अटोमी को ही क्यों किया। मैं आपको 3 कंपनी का कंपैरिजन देना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं 3 कंपनी का कंपैरिजन दूंगा और उन 2 कंपनी का, 2 और लूंगा, 1 अटोमी लूंगा। उन 2 कंपनी का नाम नहीं लूंगा बट थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा ताकि आप समझ जाएं। पहली कंपनी है अटोमी, दूसरी एक और कंपनी है वो भी ए से स्टार्ट होती है, और तीसरी एक कंपनी है वो वी से स्टार्ट होती है। मैं 3 कंपनी का कंपैरिजन दे रहा हूं। क्यों कंपैरिजन दे रहा हूं? ताकि आपको सही से पता चल जाए कि किस कंपनी में काम करना चाहिए। कंपैरिजन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। तो ए अटोमी, जिसको 11 साल हो गए वर्ल्ड में चलते हुए, एक और दूसरी कंपनी है जिसको वर्ल्ड में 70 साल हो गए, इंडिया में 23 साल हो गए हैं, एक तीसरी वी कंपनी है जिसको हिंदुस्तान में 19 साल हो गए चलते हुए। अब इनमें से मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया वो मैं आपको चीजों पे लेके जाना चाह रहा हूं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये तीनों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मुझे एक अच्छी कंपनी की तलाश थी, तीनों बढ़िया कंपनी है, बट अब मुझे देखना था कि सक्सेस रेट कहां पे ज्यादा है ताकि मैं भी अगर उसमें जुड़ जाऊं तो मैं भी कामयाब हो जाऊं। तो मैंने देखा है अटोमी के बारे में कि अटोमी में 11 साल में महीने का 1 करोड़ कमाने वाले 9 लोग हैं। अटोमी में 11 सालों में महीने का 1 करोड़ कमाने वाले लगभग 9 लोग हैं। मैंने दूसरी एक कंपनी को देखा जिसको वर्ल्ड में 70 साल हो गए, मुझे नहीं पता वर्ल्ड में उसमें लोग कितना पैसा बना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 23 साल में महीने का 1 करोड़ कमाने वाला एक भी नहीं है। तीसरी वी कंपनी को जब मैंने देखा जिसको हिंदुस्तान में 19 साल हो गए चलते हुए, उस 19 साल में 1 आदमी महीने का 1 करोड़ कमा रहा है। तो मेरी एक पिक्चर क्लियर होगी है कि इन तीनों में से मुझे किसको सेलेक्ट करना है। दूसरे में पैरामीटर पे अगर जाता हूं, ये तो एक महीने का रेशो था। अगर मैं साल की बात करूं, अगर मैं अब वी से स्टार्ट करता हूं, वी कंपनी के बारे में अगर मैं देखता हूं साल में कितने लोग हैं जो 1 करोड़ कमाते हैं, इस वी कंपनी में 19 साल में, साल में 1 करोड़ रुपए कमाने वाले 50 से 100 लोग हैं। जब मैंने दूसरी ए कंपनी को देखा कि इसमें साल में लगभग 1 करोड़ कमाने वाले कितने लोग हैं, पता लगा इसमें साल के 1 करोड़ कमाने वाले 50 से 100 लोग हैं। जब अटोमी के बारे में देखा हमने कि अटोमी में 1 साल का 1 करोड़ कमाने वाले कितने लोग हैं, पता चला यहाँ पे लाखों लोग हैं जो साल का 1 करोड़ कमा रहे हैं। तो पिक्चर क्लियर होती चली गई कि यार यहाँ पे अगर मैं वी कंपनी के साथ जुड़ता हूं तो यहाँ पे मुश्किल से साल में जो 1 करोड़पति बनाती है 4 से 5 लोगों को करोड़पति बनाती है। अगर मैं दूसरी ए कंपनी के पास जाता हूं जिसको हिंदुस्तान में 23 साल चलते हो गए, अगर इसको मैं साइन अप करता हूं तो 3 से 4 लोगों को ये साल में करोड़पति बनाती है जो साल का 1 करोड़ कमाने लगते हैं। लेकिन जब मैंने अटोमी के बारे में देखा कि अगर अटोमी को मैं साइन अप करता हूं, अगर इसको मैं तन मन धन के साथ बिजनेस को सीरियसली बनाता हूं तो यहां पे लगभग अटोमी 10,000 लोगों को हर साल करोड़पति बनाती है। तो मुझे पता चला कि अटोमी में दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में यहां पे सक्सेस रेट सबसे
से ज्यादा है, ये एक कारण था कि जिसकी वजह से मैंने उस कंपनी से इस कंपनी में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है। जब यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है तो डेफिनेटली हर आदमी कामयाब होगा, हो गई होगा। आप अपने जीवन में भी जब बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन दिलाते हो तो क्या देखते हैं? सक्सेस रेट देखते हैं ना। तो यहाँ पे अटोमी में सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है कामयाबी का। सक्सेस रेट का कारण बताता हूँ क्यों है, क्यों लोग अटोमी को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अटोमी ने हर लीडर को डाउनलाइन बना दिया है, हर आदमी को डाउनलाइन बना दिया है। इन्होंने बहुत सारी चीजों को लॉक कर दिया है, इन्होंने लीडर को लॉक कर दिया है कि आप पूरी जिंदगी नीचे नीचे काम करेंगे। जब आप एज ए लीडर पूरी जिंदगी नीचे काम करें तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छुएगा ही छुएगा। इन्होंने क्या चीज को लॉक कर दिया, हस्बैंड वाइफ एक से ज्यादा आईडी ले नहीं सकता और दो से ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, एक राइट एक लेफ्ट। दो के बाद जब भी आप स्पॉन्सरिंग करोगे तो डेप्थ में करोगे। जब आप पूरी जिंदगी अपनी दो ही टीमों में नीचे नीचे काम करेंगे तो ग्रोथ का रेट तो ज्यादा है ही है, कामयाब होना ज्यादा होना ही है। यही एक कारण है कि यहाँ पे हर साल कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बनते हैं इस कंपनी में। तो थैंक यू वेरी मच, आप बस पेशेंस रखिए, अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहिए, गारंटी आने वाले 2 से 5 साल में आप भी यहाँ पे करोड़ों रुपए महीने का कमाएंगे। बैक टू होस्ट। और काफी लोग दिन की करके भी हम बिजनेस में आ सकते हैं और सक्सेस रेशियो इज हाई। थैंक यू वेरी मच। हम फिर दोबारा संजय सर को बुलाने की